पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के राघोपुर पंचायत के परमाधपुर ग्राम में लगभग 300 साल पुराना एक ठाकुर नारायण मठ मंदिर है, जिसका पुराने समय में पूजा पाठ करने वाले रिखी दास सेवादार मेहनत श्री भागवत दास थे। यहाँ पर बहुत साल पहले दूसरे राज्यों से साधु संत एवं श्रद्धालुओं पूजा पाठ करने आया करते थे। इस मठ में लगभग 70-80 बीघा जमीन श्री ठाकुर जी के नाम से राजी है, जिनका अनेकों खाता एवं खेसरा है जो की मौजा में है। इस मठ की जमीन में एक खाता संख्या 23 है जो राघोपुर मौजे में पड़ता है। खतियान को देखने से पता चलता है कि यह मठ जमीन श्री ठाकुर जी का देवता का इराजी है, जिसका सेवक रिखी दास शिष्य महंत भागवत दास थे, जो बैरागी साधु थे जो कहीं चले गए। जमीन को हड़पने के उद्देश्य से जिला मुजफ्फरपुर से आए इस मठ पर मधुसूदन मिश्रा शादी ब्याह रचा लिए और अब उनके वंशज पौत्र रामनाथ मिश्रा एवं उनके भाई लोग भी इस मठ को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से चार दीवारी का घेराव हो गया है और मठ की जमीन को बेच भी रहे हैं। चार दीवारी होने के कारण दूसरे लोगों को पूजा करने में कठिनाई हो रही है और रामनाथ मिश्रा द्वारा अब लोगों को मंदिर जाने से भी मना कर रहे हैं। बहुत सारे दलित लोग उस मठ की जमीन पर बरसों से रह रहे हैं, अब उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ सरकार को जमीन कम पड़ रही है और एक तरफ मठ मंदिर लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी से फोन पर संपर्क किया गया तो बात नहीं हो सका। सुशासन बाबू के सरकार में भी इस मठ का जमीन का बिहार सरकार किसी सरकारी काम के लिए अधिग्रहण करता है कि नहीं। वहाँ के ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर कुछ लोगों को छोड़कर बाकी 14 लोगों पर FIR कर दिया गया। वारे सुशासन की सरकार। अभी हम मौजूद है चिरैया प्रखंड के राघोपुर पंचायत के परतापुर ग्राम में। आइए जानते हैं यहाँ कुछ लोग की समस्या, उनके समस्या के बारे में क्या दिक्कत है इन लोगों को। का नाम हुआ अपने के? हम हिरमाती देवी। का दिक्कत बा? दिक्कत ये बा, लोग बसल बाटे तो उखाड़े ला कहे तरन तो बाल बच्चा लेके कहाँ चल जाए, कहूँ ना काहे उखाड़े के चाहे तरन। अब उनका उहे नु एथी होई, अब तो बसल साधु हमनी के बसौल कौना जमाना के, हमनी के बाबा दादा हमनी तो ना पुरखा पुरनिया बसल बा कौनो एथी के। आए अब चाहे तरन से हट जाला तो हमनी कहाँ जम हट के। ताला काहे मारा, ताला काहे मारल बा में ये में? अब ताला गेल बड़न के नहु मार के, अब तो हमने के कहला ना थोड़ा ही। आप लोग पूजा करन नहीं? ना हमने ना पूजा कर ना कही, हमने के जाय दिए ना ले ना तो पूजा करम कैसे। का नाम बा? कुछ में देवी। का दिक्कत बा? दिक्कत ये बा, हमने के आंगन घर अब पूजा पाठ देना जाय दे लवा आ ओसे का मार के छुआ छूत रख ले हवा आ ओसे हमने के सास ससुर सतनत पुसहत से बसल बा। बीसो के खलदान बीत गया, आज बड़न हटवाई रोज घर उजारे ला खबर भेजलन उजारले तमने जोर जबरदस्ती बिना छैले बनौले बाड़ी से अब उजारी की कब उजा नाद रख लेबे त नाद लन ले अथी राम जानकी का सब दिन राम जानकी के नाम से बा आज कह तरन हमार निजी हो गए बा। तो अपन भैयारी के बाखरा लोग बाँट के आ चेट के लोग लड़े तब भैयारी के अथी में आवेदन दिले बानी अपने लोग बिना दिया ला ही हमनी के बा गार्जियन का हमनी के बता पहले पाल बउगवले बाड़ा ना तब होता ये थी भेल बाटे। तो केहू लोग आए रहे? आयल रहे दू दिन आयल रहे पुलिस का तो कहल लोग हटावे ला तो का कहल हमनी के ना हटवली हमनी रखले बाड़ी दू घर तीन घर हटा। आइए आइए इनसे जानते हैं। का नाम हो? राम प्रताप दास। का दिक्कत बा? दिक्कत ये बा कि हमनी के ऊपर मैंने केस कर दिले बहन, मठ के जमीन बा केस भी कर दिले बहन। केस काहे कहले बड़न? केस कहले कि निजी बा हमार। हाँ आज खतियान में देखल जाओ कि खतियान में उनका बाबा के भी नाम नहीं बा, हमनी के बाबा दादा के नाम बा खतियान में। हाँ अब साधु के जो दू साधु रहे ओकरा नाम पर भी सर्वे हो गए बा। हाँ साधु का नाम से श्री ठाकुर जी का नाम से जमीन बाई। हाँ केस करके मैंने दूगो मैंने फेल कहले बानी जवाबे में फेल कहले मैंने केस के। ये सब आप अच्छा अच्छा। हाँ जी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मंदिर को निजीकरण किया जा रहा है। हाँ 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 वो कौन है जो इस मंदिर को अपने मतलब की जमीन में मिलाना चाह रहा है? थी रामनाथ कुमार मिश्र। अच्छा वो क्या बोल रहे हैं अभी? अभी बोल रहे हैं कि आप हम लोग हमको जमीन निजी हो गया, आप लोग हटिए यहाँ से। अच्छा हाँ जबकि ये सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। हाँ फिर भी उन्हें निजीकरण करने के चक्कर में है। हाँ अच्छा इसके लिए आप ग्रामीणों ने आप सब ने मिल के थाना को बताया था? जी हाँ थाना को बताया। कितना दिन पहले?
इस दिन हुई हाँ इस दिन हो गई हाँ। थाना के अलावा कहीं और भी कुछ अर्जी वगैरह दिए हैं या किसी को बताए हैं? हाँ सब दिए हैं। तो कितना दिन पहले लगभग मतलब कि आप लोगों ने प्रक्रिया किया? कितना दिन से? 15 दिन हुआ। ना ना ये पहले से साल भर हो गया। हाँ साल डेढ़ साल से हो गया। अच्छा साल भर हो गया, एक साल हो गया। हाँ अच्छा संज्ञान लिए या उन्होंने या नहीं लिए? नहीं। जैसा कि आपने बताया कि सीओ का अपने दिया है, अपने ज्ञापन अपने दिया है, ब्लॉक पदाधिकारी को अपने दिया है, थाना को अपने दिया है, इन लोगों ने संज्ञान लिया है या नहीं लिया? नहीं लिए। नहीं लिया? नहीं लिया। क्या बोलते वो लोग? वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है कार्रवाई करेंगे। हाँ बस कह के टाल देते हैं, बस इतना ही कहकर टाल देते हैं। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जमीन मतलब कि हड़पने के चक्कर में है उन्होंने ब्लॉक पदाधिकारी को या थाना को या सीओ को पैसा दिया होगा? हाँ तो वही किए करवे किए हैं। हाँ वही करवे किए हैं। क्या किए हैं? पैसा दिए हैं इनको? पैसा दिए हैं सीओ के? दिए होंगे वीडियो के दिए होंगे तभी वो लोग करवाई नहीं। हाँ इसलिए वो नहीं करवाई कर रहे हैं। यहाँ जो है कि बहुत पुराना मठ है समझे, यहाँ साधु फकीर संत बहुत लोग आते थे, चार चार पाँच पाँच दिन एखन हफ्ता रहते थे, पूजा पाठ होता था, सब खाता पीता था, उसके बाद में चले जाता था। लेकिन इधर जो है ना ये 10-20 वर्ष के अंदर में ये अपना निजीकरण बना लिया है समझे, और उसके बाद में हम लोग को मड़ई टाटी है जो भी घर है वो कहता है कि आप लोग खाली कीजिए हमारा जमीन है। इधर से भी देखिए बाउंड्री भी कर लिया है हटा कर, यही बात है सब। और हम लोग को सोचता है कि आप लोग हट जाइए हमारा निजीकरण जमीन है। उसके बाद में हम लोग कहेंगे ठीक है कि हम लोग समझ कर अपना हटेंगे, लेकिन बीच में वो हम लोग पर केस कर दिया 14 आदमी, अब बाकी टोला और छांट दिया है, यही तो बात है। तो आप कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो हम लोग का उम्र हो गया 55-60 अभी, और उसके बाद में 3 पुश हमारा बीत गया है इसी जगह में, और इनके काम धंधा करता था, इनकी कब्जे में रहता था, और सब मर उर आ गया, फिर हम लोग है तो अभी हम लोग को परेशानी यही डाल रहे हैं कि आप लोग छोड़ दीजिए। मंदिर में पूजा करने देते हैं? मंदिर में किसी को नहीं जाने देते, कभी से नहीं जाने देते कि मंदिर छुआ जाएगा तो ठाकुर जी छुआ जाएगा, मैंने 50 साल पहले से नहीं जाने देता था हम लोग को, कि जात भावना मानता था कि ये लोग छोट जाति का वर्ग का है, कि मंदिर में नहीं जाना है, ठाकुर जी को नहीं छूना है, कि आप लोग नहीं आइए, यहाँ ब्रह्म का स्थान है, यहाँ भी रुकना था पूजा करने के लिए रुक रहा है, यहाँ हम लोग छठ हो रहा था, देख लिए यहाँ भी बाउंड्री, यहाँ जो है कि थोड़ा जगह था यहाँ छठ पर्व हो रहा था, यही तो बात सब है। अभी 14 आदमी पर केस कर दिया है, हम लोग भी अपना कागज पत्र तैयारी करके पेश कर दिए हैं, लेकिन अभी अब केस का रिजल्ट जो अभी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है, अब क्या बात है वो रोक देते हो फिर कर दे। क्या नाम हुआ आपका? हमर नाम राजा रामदास। कहाँ मकान हुआ? हम परतापुर मठ। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत हमनी के ये बात है कि हमनी के मंदिर में घुसे नहीं खन दे, पूजा पाठ यहाँ हो लखा पूजा पाठ हमनी के नहीं खन करे दे, हाँ ओकरा बाद में छठ यहाँ हो लखा छठ नहीं खन करे दे, हाँ ओकरा बाद में हमनी के FIR दर्ज कर देले बड़न 14 आदमी पर केस कर देले बड़न। काहे केस कर ले बड़न? केस कर देले बड़न, मड़ई हटैलन 4-5 गो मड़ई हटा देलन, हमनी के रोक देली, वही पर ही केस कर देलन, हमनी के BPL कटधारी आदमी बाड़ी, हमनी के खाएलन पर इतना समस्या बटे कि हमनी के कमाई ले तो खाई ली समझ ली, हाँ ना कमाए तो हमनी के खाइए ना सकम, ये सारा मठ जमीन जमीन जो बाटे से मठ के बाटे, हाँ आई निजी करे के चाह रहा बड़न, हमनी के कहाँ जाऊ, हाँ यही लेल हमनी के कागज बढ़ौले बाड़ी चारों तरफ। कोनो सुनवाई होल बा? कहाँ कहाँ कागज बढ़ौले? सुनवाई नहीं खे अभी भेल। कहाँ कागज देले बनी? कागज देले बड़ी ब्लॉक लंग SDO लंग जिला में चारों तरफ कागज हमनी के बढ़ौले बड़ी। चलो ठीक है आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम प्रताप दास। कहाँ घर हुआ? परतापुर मठ। क्या दिक्कत है?
दिक्कत यही बा कि यहाँ बहुत पुराना मठ बा, मठ में पूजा करे न देवलन, छुआछूत मानलन कि हमार देवता बा से छुआ जाए, यही लेन मठ में पूजा करे न जा देवलन। और कोई समस्या है आपको? और समस्या तो बहुत बा, उतना कहल जाए तो हाँ बहुत तब निदान होगा। खतियान में इनको बाबा का भी नाम नहीं है, हम लोग का बाबा का नाम है खतियान में, और साधु जो है उनका भी नाम है। हाँ जमीन कैसा है? जमीन श्री ठाकुर जी का नाम से है, मठ का जमीन है। के क्या चीज का गेट है? ये अपने घर के गेट बनवाया है। माने अंदर है क्या चीज? अंदर है मंदिर, मंदिर है, मंदिर है। हाँ तो इसमें ताला लगा हुआ है? तो भी अपना निजी बना रहे हैं मंदिर को। कौन कर ले गेट में ताला लगाते हैं? रामनाथ मिश्र। तो पूरा मंदिर में ताला लगा के रखते हैं? दिन में कुछ को जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं? छुआ छूत का भाव रखते हैं कि छुआ जाएगा मंदिर। हाँ कब से लगा हुआ ताला? बहुत दिन से लगा हुआ है, 15 साल पहले से नहीं था। चाचा क्या नाम है आपका? इनरदेव दास। ये मंदिर कितना पुराना है? पुराना था बहुत दिन का है। कितना पुराना? लगभग होगा 100 वर्ष, 100 वर्ष का होगा। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते थे? बहुत दूर के। साधु महात्मा कहाँ कहाँ से आते थे? अयोध्या जी से, प्रयागराज कहाँ कहाँ से आता था। सब एरिया का तो सब कोई आवे करते थे। हाँ हाँ बहुत कृषि कार्य हो रखा। 15 दिन झूलन होता था, साधु लोग होली तो एक एक महीना रह रहे हैं। ये जो मंदिर है इसका एरिया कितना है चाचा? अब एरिया तो 51 बीघा है। 51 बीघा मठ के चारों तरफ से इसका एरिया है। 51 बीघा में है। अच्छा कौन कौन इसमें भगवान इसमें है? इसमें भगवान कौन कौन से हैं? इसमें मूर्ति के कौन कौन भगवान के? राम जानकी के मूर्ति बा, वैशाली की, वैशाली का भी है, भगवान विष्णु का, राम जानकी का, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का, सीताराम। चाचा क्या नाम है आपका? राजा राम दास। अच्छा ये गांव कौन सा है? गांव है प्रतापपुर मठ। अच्छा ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक तिरैया। और जिला? मोतिहारी। हाँ मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। अच्छा इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं आप? मंदिर के बारे में, मंदिर तो ये सौकड़ों साल से बहुत आगे का है। मंदिर है काफी पुराना मंदिर है। हाँ काफी पुराना मंदिर है। अच्छा काफी दूर दूर से श्रद्धालु? हाँ 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 हाँ, अयोध्या जी, प्रयागराज, कहाँ कहाँ के लोग, साधु सब यहाँ आते थे। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी हम लोगों को दिक्कत यही है कि हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, बहुत दिन से बसे हुए हैं, सौकड़ों से, और मंदिर जब से निर्माण हुआ तब से बसे हुए हैं। कैमरा मैन के साथ मैं R9 12 से मैं मनीष कुमार।